नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक SMPS है, 12 वोल्ट 200 वाट का है। ये आप इसमें देख भी सकते हैं लिखा हुआ है। ये ख़राब हो गया, आज इसको हम रिपेयर करके दिखाते हैं। आप लोग भी बड़े आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये जो LED का बड़े बड़े बोर्ड पैनल लगते हैं डिस्प्ले के लिए कहीं पर भी प्रचार के रूप में, ये उसी में यूज करता है LED को जलाने के लिए। उसमें बहुत सारे LED लगी होती हैं और इसी सप्लाइयों से उसको जलाते हैं 12 वोल्ट से। और ये ख़राब हो गया, इसको हम आज रिपेयर करेंगे। बड़े आसानी से रिपेयर होता है और आप लोग भी अपने से देख के रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने इसको दिखाता हूँ। अभी तो उसको मैं इसका निकाल रखा हूँ, स्लाइड से निकलता है। इसे निकालने के बाद ये हो गए, निकाल लीजिए। पेंच लगा होता है यहाँ पर, इसको आप जो है अब ये इसको इसे सरकार करके स्लाइड से निकल जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग जो है, ये SMPS ट्रांसफार्मर होता है, ये कंडेंसर है, ये MOSFET होता है, MOSFET ट्रांजिस्टर है, और ये ब्रिज डायोड होता है, ये डायोड होता है। ये दोनों पिन से, यहाँ से बीच वाले पिन से, इस बीच वाले पिन से इसको DC आउट करते हैं। इसके बाद जो है ये फिल्टर कंडेंसर दो लगे होते हैं, इसे फिल्टर करते हैं। इसमें देखिए, इसका ये कंडेंसर फटा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जा रहा होगा तब ये कंडेंसर फट गया है। अब इसको चेक करते हैं इसमें क्या क्या शॉर्टेज हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ये ड्राइवर होता है, ये ऑसिलेटर IC होती है ये, और इसमें दो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये दोनों ड्राइवर का काम करते हैं, जो कि MOSFET को हम ड्राइव करते हैं स्विच मोड में लाने के लिए। तो अभी हम इसको चेक करके आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रखिए। ये हमने डायोड किया है। ये देखिए, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए होता है, ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है, बर्जर की आवाज़ आती है, और ये डायोड मोड में है। आप इसी मोड में इसको रख करके इसको चेक करते हैं। दोस्तों, सप्लाई 220 वोल्ट AC देने से पहले इसको एक बार चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं शॉर्टिंग होगी तभी ये फॉल्ट होती है। आपके फ्यूज उड़ सकते हैं या कुछ भी मतलब और हो सकता है, जल सकते हैं। इसमें ये चार डायोड लगे होते हैं, चार डायोड ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ये कंडेंसर, ये फिल्टर कंडेंसर होता है, इससे हम फिल्टर करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये ट्रैक जल गई है AC का, यहाँ से ये डायोड से जाके घर जाता है। अगर ट्रैक जलते इसका मतलब हो सकता है कोई डायोड शॉर्ट हो, या आगे का कंडेंसर भी शॉर्ट हो सकता है, या और कुछ चीज़ साफ हो सकती है। इतने में इसको हम चेक कर लेते हैं। जिससे कि डायोड हमारा सही दिखा रहे हैं। आगे के मोड हम चेक करते हैं, कंडेंसर को चेक कर लेंगे। कंडेंसर ये देखिए, कंडेंसर जो है ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। कंडेंसर फुल शॉर्ट दिखा रहा है, कंडेंसर भी शॉर्ट हो सकता है। तो आप सबसे पहले कंडेंसर को यहाँ से, फटा तो है ही है, इसको बदलना तो है ही है, निकाल दीजिए। सोल्डर हटाने के लिए आप सोल्डरिंग पंप का यूज कर सकते हैं, या सिलेंडर वायर आती है उसमें पेस्ट लगा करके भी सोल्डरिंग हटा सकते हैं। सब लोग जिस तरीके से, जिसको जैसा सुविधा मिले उस तरीके से हटाते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने फिर से चेक करता हूँ।
अभी तो साढ़े यहाँ नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम मॉस्फेट को भी चेक कर लेते हैं। अब ऐसे तो सही नहीं दिखा रहा है, इसको हम मॉस्फेट को निकाल के चेक कर लेते हैं, सही पता चल जाता है। आप लोग देखिए, हमने ये कंडेंसर को भी निकाल दिया हूँ और ये मॉस्फेट को भी निकाल दिया हूँ। देखिए ये हमारे मीटर की रीडिंग, देखिए ये कंडेंसर शॉर्ट दिखा रहा है, इस तरीके से इसको नहीं दिखाना चाहिए, ये क्विक होता है, दिखा के बंद हो जाना चाहिए। और ये मॉस्फेट भी देख लीजिए, ये पूरी तरह से एकदम ये शॉर्ट दिखा रहा है दोनों तरफ से, चाहे इधर से चेक करिए तब भी ये देखिए जीरो कंटिन्यूटी आ रही है, ऐसा चेक करने से भी आ रही है, क्योंकि इसका ये गेट होता है, ये कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है। गेट हमेशा ओपन की स्थिति में दिखाता है और कलेक्टर एमीटर पे बीच में एक डायोड होता है जो कि एक तरफ से दर्शाता है और एक तरफ से नहीं दर्शाता। जब ये गेट पर हम पॉजिटिव पल्स देते हैं तब ये गेट खुल जाता है, तब ये दोनों कंडीशन में ये शॉर्ट दिखाता है। चलिए हम कंडेंसर को देखिए, देखिए ये हमारे पास ये नया कंडेंसर है, देखिए नया कंडेंसर जब हम लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए ये दिखाने के बाद धीरे धीरे जीरो हो जाता है। देखिए ये नया कंडेंसर, देखिए इस तरह से ये जीरो हो गया, मतलब कि दिखाना बंद कर देता है, जब कंडेंसर को चार्ज होता है तो दिखाना बंद कर देता है। कंडेंसर को हमेशा लगाते समय पोलैरिटी का ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है, उल्टा लगाने पर ये बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ करता है, फट जाता है, आपको चोट भी लग सकती है, इसलिए इतना जरूर ध्यान दें। इसमें प्लस माइनस का ये देखिए बना होता है, काला है ये माइनस होता है, नहीं तो इस पर यह लकीर बनी होती है माइनस की तरफ पर, पॉजिटिव पर कुछ नहीं होता है। आप लोग कंडेंसर की साइज पे ना जाइएगा, कंडेंसर के वैल्यू पे जाइएगा, वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये कंडेंसर वैल्यू तो सेम है लेकिन बहुत बड़ा है, इस पर हम यहाँ लगा नहीं सकते हैं, जगह नहीं है उतना, हमने फिर ये दूसरा कंडेंसर लिया हूँ, वैल्यू सेम है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। इस पर आप देख सकते हैं जिधर माइनस है, माइनस का ये पॉइंट बना होता है और इस साइड में प्लेन होता है, पॉजिटिव पर प्लेन होता है, और सर्किट में भी ये देखिए प्लस माइनस का बना होता है, तो हम इसलिए माइनस को ये देखिए माइनस साइड में रखेंगे और इसको इस साइड में रखेंगे, इस तरीके से इसको आप लोगों को सोल्ड कर देना है। इस तरह से दोस्तों हमने ये कंडेंसर को लगा दिया हूँ, माफ़ करना दोस्तों, अभी जो हमने आपको ये ट्रांजिस्टर के बारे में बताए थे ये मॉस्फेट नहीं है, ये आईजीबीटी है, आईजीबीटी है। मास्टर में तो गेट और ड्रेन सोर्स होते हैं, आईजीबीटी में बेस नहीं होता है, बाकी कलेक्टर एमीटर होता है, तो ये आईजीबीटी है, आप लोग ये बताए थे, ये इसका गेट है और ये बीच का कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है। अभी हमने इस आईजीबीटी को इस पे लगाते हैं सर्किट में, अभी हम आपको इस आईजीबीटी को चेक करके दिखाते हैं। देखिए इसके गेट पे एक पॉइंट गेट पर रखिए, कलेक्टर एमीटर पे कुछ भी नहीं दिखाएगा,
न तो इधर से कुछ दिखाएगा न तो इधर से दिखाएगा। इसके बाद आप फ्रॉक को बदल दीजिए कलर को, लेकिन तब भी नहीं दिखाएगा। हाँ, अब देखिए, अब कलेक्टर और एमीटर के बीच में दिखाएगा, ये एक तरफ दिखाएगा एक तरफ से नहीं दिखाएगा। देखिए अभी जैसे ये दिखा रहा है, इसका मतलब इसका लीकेज थोड़ा सा गेट इसका खुला है। देखिए अब देखिए ये अब नहीं दिखाएगा। और इधर से आपको एक डायोड लगा होता है, देखिए ये डायोड की वैल्यू दिखा रहा है, एक डायोड लगा है, इधर से जीरो है। जब गेट पर करंट देते हैं इसका गेट खुल जाता है, तो दोनों तरफ से शॉर्टिंग दिखाती है। अभी हम इसको लगाते हैं, अभी हमको इसमें दो चीज़ हमको शॉर्टिंग मिला था, एक कंडेंसर मिला था, एक IGBT जो कि हमने लगा दिया हूँ। देखिए अब एक बार इसे कंडेंसर पे ही पॉइंट पे चेक कर लीजिए, पता चल जाता है शॉर्टिंग है कि नहीं है। देखिए अभी एक तरफ से नहीं दिखाया, अब एक तरफ से देखिए, एक तरफ ये वही दिखा रहा है ना, डायोड की वैल्यू दिखाता है, और एक तरफ से कुछ भी नहीं दिखाया। इसका मतलब हमारे अंदर ये शॉर्टिंग ख़त्म हो गई है। अब इसको हम वोल्टेज देख के चेक कर सकते हैं एक बार। और इसमें जो जला हुआ था पहले, यहाँ पे जम्पर मार देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने इस पे जम्पर मार दिया हम तार का। अब इस पे हम वोल्टेज दे करके चेक करते हैं, अगर ये हमारा सही होगा, ये हमारा फैन चलेगा और ये LED लगी होती है, ये LED जलने लगेगी। ये इसका AC पॉइंट होता है और ये अर्थ का पॉइंट होता है, बाकी ये हमारा आउटपुट होता है प्लस माइनस का, ये DC होता है। दोस्तों अब इस पर हम वोल्टेज देते हैं 220 वोल्ट AC को, देखिए अगर सही होगा तो ये दिखाएगा। देखिए दोस्तों इसमें करंट दिया हूँ, ये सही तो दिखा रहा है, लेकिन देखिए LED इसकी जो है ग्लो कर रही है, मतलब स्लो तेज हो रही है और फैन भी चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी इसके कहीं ऑसिलेटर में प्रॉब्लम है, जो कि कंटिन्यू ड्राइव नहीं हो रही है, रुक रुक के ड्राइव हो रही है। अब इसका ऑसिलेटर एक बार फिर चेक करना पड़ेगा। अभी दोस्तों यहाँ फैन को निकाल रहे हैं चेक करने के लिए, क्योंकि इसके बगल में एकदम लगा हुआ है, उसको हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेटर, ये हमने फैन को निकाल दिया हूँ। अब ये देख सकते हैं ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ये शॉर्ट हो सकता है या ये ख़राब हो सकता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है इसके ड्राइव के लिए जो है, अगर ये नहीं काम करो तो इस तरीके से वोल्टेज हमारी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि पल्स विथ मॉड्यूलेटर ही होता है। हमारी आउटपुट वोल्टेज को ये सेंस करके ये ड्राइव करती है, हमारे तो ड्राइवर IC को कंट्रोल करती है। ये हमको सर्किट चेक करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि हम शोल्डिंग हटाने के लिए हम पंप का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी हमने चेक किया ऑसिलेटर में, दोस्तों को ये कंडेंसर मिला, ये कंडेंसर वीक हो गया है, जो ड्राइवर होता है इसका, ये ड्राइवर, इस ड्राइवर को ये जो वोल्टेज मिलती है वर्क करने के लिए, वे इसको फिल्टर करता है, इसलिए कायदे से हमारी वोल्टेज उसके ड्राइवर के फिल्टर नहीं हो रही थी, इसलिए इस तरीके से हो रहा था। अभी मैं कंडेंसर बदल के दिखाता हूँ आप लोग को। दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, जहाँ जो भी चीज़ जिस वैल्यू का जिस नंबर का लगा हो उसी नंबर का लगाना चाहिए। अभी हमारे पास वहाँ पे 2250 वोल्ट लगा था, हमारे पास नहीं था, तो हमें अभी 4763 वोल्ट का लगा रहा हूँ और लगा के दिखा देता हूँ, सही भी हो जाएगा। लेकिन अभी फिर हम कंडेंसर को बाद में लाएंगे तो बदल देंगे।
अभी आपके सामने हम लगा के दिखा देते हैं दोस्तों। हमने इसको चेक करने पे पाया कि इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है, और इसमें देखिए हमसे परेशान हो गए चेक करने में। इसके ड्राइवर को वोल्टेज ही नहीं मिल रही है, देखिए एसएमपीएस है ये, मॉस्फेट का ये कलेक्टर कॉर्ड और इसका ये बता रहा है आपस में, और ये ड्राइवर वोल्टेज की पिन होती है, ये दोनों देखिए ये ओपन बता रही है, ये दोनों को भी मतलब कंटिन्यूटी देना चाहिए। तो ये एसएमपीएस ही प्रॉब्लम है, एसएमपीएस निकाल के देखता हूँ। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया हूँ, शोल्डर हटाने के लिए लोग कई तरीके से, कोई ब्रश से साफ करता है, कोई सील्ड वायर प्रयोग करता है, लेकिन हम हमेशा पंप का ही प्रयोग करते हैं। और एक बार में एकदम साफ हो जाती है। दोस्तों मैंने ये एसएमपीएस निकाल लिया हूँ और आपको दिखा सकते हैं, जैसे ये हमारी ये और ये कलेक्टर पॉइंट दिखा रहे, लेकिन ये कंटिन्यू दिखा रहे हैं। तो हमने इसमें चेक किया भी पाया, ये जो ओपन है ये आप देख सकते हैं, ये तार ओपन है, ये हिल रही नहीं, ये ओपन है, इसी को जोड़ना है तो ये काम करने लगेगी। इस ओपन तार को हमने एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा तार लगा के जोड़ दिया हूँ, अब आप लोग के सामने दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी आसलेटर वाइंडिंग हो गई, ये कलेक्टर वाइंडिंग हो गई, अब दिखाने लगी, अब लगा के दिखाता हूँ 100% है कि अब पावर सप्लाई सही हो जाएगी। इस तरीके से कभी कभी बहुत मेजर प्रॉब्लम आती हैं। को लगा के अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना चाहिए। अब ये लगा करके मैं फैन को इसका बांध देता हूँ, क्योंकि अब ये 100% है कि अब ये सही हो गया है, इसलिए फैन को बांध करके आपके सामने चेक करा देता हूँ। एकदम फर्स्ट क्लास का चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। अब मैं आपको एसी वोल्टेज लगा के दिखा देता हूँ, देखिएगा फैन चलेगा, आवाज़ आएगा, ये देख लीजिए एलईडी अब कंटिन्यू है, अब फिर भी नहीं होगी, अब सही हो गया है। इस तरीके से कभी कभी बहुत मेजर प्रॉब्लम आते हैं। अब इसको फिट करने से पहले इसको एक बार जो है धुल दीजिए, धुलने के बाद डायोड पे, ये ब्रिज डायोड होता है और ये मॉस्फेट पे आईजीबीटी है, आईजीबीटी पे हीट सिंक पेस्ट आता है, उसको लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को वोल्टेज भी नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया, फैन भी चल रहा है, और आपको ये वोल्टेज नाप के दिखा,
ये आप देख सकते हैं 11.73 बोल दिखा रहा है, मतलब 11.5 बोल 12 बोल के बीच में ये वोल्टेज इसकी सेंस होती है। ये देखो फर्स्ट क्लास का चल रहा है, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक एक यूट्यूबर का लाइक और सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है। आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, आगे की वीडियो हम आप लोगों के सामने फिर ले आएंगे इसी तरीके से।